हेलो योगीज, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको डैंड्रफ खत्म करने के कुछ घरेलू उपाय बताऊंगी, जिससे 2 से 3 बार में ही आपका जो डैंड्रफ है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। डैंड्रफ की प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि धीरे पहले तो डैंड्रफ होता है और धीरे धीरे वो बढ़ के हमारे स्किन में एक पपड़ी सी जम जाती है और इससे स्किन में फंगस भी हो जाती है, जो हमारे बालों में कई लोगों के फंगस भी हो जाती है। जैसे हेयर फॉल उनका बढ़ जाता है, फिर वो अपनी फंगस को खत्म करने के लिए, अपनी डैंड्रफ को खत्म करने के लिए इतने सारे केमिकल, इतने सारे अलग अलग तरीके के शैम्पू, दवाइयां यूज करते हैं। हो सकता है उन सब केमिकल से आपके बालों की डैंड्रफ खत्म भी हो जाए, लेकिन बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको एक ऐसा घरेलू उपाय बताती हूँ जिसको करने से 2 से 3 बार में ही आपके जो बालों की डैंड्रफ है वो जड़ से खत्म हो जाएगी, बालों की हेल्थ भी इंप्रूव होगी। खट्टी छाछ डैंड्रफ के लिए, बालों के लिए उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। खट्टी छाछ या फिर खट्टा दही आप लें, उसमें थोड़ा सा जो नीम के पत्ते होते हैं उसका रस निकाल लें और 2 चम्मच उसमें नीम के पत्तों का रस डाल लें। उसको मिला के बालों में हफ्ते में 2 से 3 बार लगाएं, आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर ही जो आपकी डैंड्रफ है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, बालों में चमक बढ़ेगी, बाल और ज्यादा स्मूथ होंगे और जो ड्राई हेयर और जो जड़ से टूटते हैं बाल वो भी मजबूत हो जाएंगे। हम लोग डैंड्रफ खत्म करने के लिए, हेयर फॉल रोकने के लिए इतने सारे केमिकल के प्रोडक्ट यूज करते हैं जिनको ये कह के भी बोला जाता है कि इसमें प्रोटीन है। मिल्क प्रोडक्ट से ज्यादा किसमें प्रोटीन होगा? प्रोटीन बनता ही दूध से है। तो जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं आप लगाइए, लगाने से तो सही होगा ही, उसके साथ साथ आप खाइए। अगर बालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो दूध पीजिए, छाछ पीजिए, दही खाइए, इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। खाने पीने से आपकी बॉडी को प्रोटीन पूरी तरीके से मिलेगा, क्योंकि जब आप लगाते हो उससे तो कुछ परसेंट ही आपको मिलेगा ना। जो मेन चीज है वो आपको अंदर से ठीक करनी होगी, तो आप थोड़ा सा खाने पीने पे भी ध्यान रखिए। जो मिल्क प्रोडक्ट है वो थोड़ा ज्यादा खाइए, जिससे आपकी बॉडी को प्रोटीन मिले, उससे आपके बाल का झड़ना भी खत्म हो जाएगा और डैंड्रफ जड़ से खत्म हो जाएगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगी। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नमस्ते।